अरौली और दीघा की झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए मास्टर प्लान बना चुके शिवसेना नेता विजय चौगुले ने अब नए सिरे से स्लम डेवलपमेंट की तैयारी कर ली है। 12 जून को इसके लिए अरौली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे खास तौर पर मार्गदर्शन करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेता विजय चौगुले ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एसआरए के जरिए इन झोपड़पट्टियों का विकास कराने की तैयारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। झोपड़पट्टी का जो हमने मुद्दा उठाया था, जो झोपड़पट्टी के बारे में जो एसआरए लगाया गया था, अभी उसके ऊपर हम लोग सातत्य से उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मकसद है, हमको जो झोपड़पट्टी का झोपड़पट्टी पुनर्वासन जो किस ढंग से और कौन से प्राधिकरण के इसमें होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अभी उसको फिर से हमने जोर पकड़ा है। एक कोई इलेक्शन आए करके इलेक्शन का कोई फंडा नहीं है हमारा, और हम लोग जो करते हो करके दिखाते, तो अभी वो उस मुद्दे पे हमने अभी इसके लिए हमने सुभाष देसाई साहब को बुलाया है। और अभी झोपड़पट्टी का आज ये मिला हुआ दीघा रबाला और अरौली, ये तीन झोपड़पट्टी के हम लोगों ने लिया है। और उसमें तो जो अरौली के अंदर जो थोड़े बहुत स्लम है वो नगर विकास खाते में आते हैं, तो उसके लिए उनको भी हमने बुलाया है। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने कहा कि अरौली में आंशिक जबकि दीघा और रबाले में सर्वाधिक झोपड़पट्टी बहुल क्षेत्र हैं, जो MIDC की जमीन पर बसे हैं। यहाँ थाने की तर्ज पर पुनर्विकास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास कोई भी प्राधिकरण करे, यहाँ के रहवासियों को घर मिलना जरूरी है। विजय चौगुले ने विश्वास जताया कि उद्योग मंत्री एवं नगर विकास मंत्री इसका समाधान जरूर निकालेंगे। हम लोग झोपड़पट्टी के लिए काम करने वाले लोग, और झोपड़पट्टी और शहर में भी हम काम करते थे, ऐसा ये नहीं कि अभी जो हमने बक्से में डाल के गुंडाल के रखा हुआ नहीं क्वेश्चन नहीं है। अभी आपको मालूम ही होगा, शिंदे साहब ने थाना में वागल स्टेट एरिया पूरा सिड़कों को प्लानिंग का अथॉरिटी करके दे दिया, और वो जगह भी MIDC के उसी धरती के ऊपर, यहाँ भी कोई मसला अच्छे से मसला निकाले और हम लोगों को सबको तसल्ली मिले, उस ढंग उसके लिए हमने इनको दोनों को बुलाया। मैं देखो हमको तो यही है, हमको घर मिलना चाहिए, वो कौन ही करे, बिल्डर करे MIDC करे, हमको उससे कुछ ये नहीं है। तो इसीलिए जैसे थाना में जैसे क्लस्टर लगाते हुए सिड़कों को प्लानिंग अथॉरिटी किया है, वैसे हमारा भी कहना है कि यहाँ भी MIDC प्राधिकरण के माध्यम से MIDC अथॉरिटी बन के क्लस्टर लगा के हमको जमीन मिल जाए तो हमें तकलीफ क्या। तो इसलिए हम लोगों ने उस दिन मिनिस्टर साहब को बुलाया, और जो कुछ जो मिनिस्टर साहब सामने सामने बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।